हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के हमारे अमर उजाला का न्यूज़ देख रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि 10,000 पद SSC में MTS के आ रहे हैं दोस्तों। तो उसमें देख रहे हैं कि MTS के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 22 अप्रैल से। तो आप इसमें देख रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग SSC की केंद्र सरकार के कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2019 के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। आयोग की ओर से भर्ती के लिए आवेदन नवंबर 2018 में जारी करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते पदों पर घोषणा नहीं हो सकी। SSC की ओर से होने वाली प्रमुख परीक्षाओं में से MTS भर्ती हाई स्कूल पास परीक्षाओं के लिए आवेदन का मौका है। सूत्रों की माने तो अब की बार आयोग और बड़ी संख्या में पदों की घोषणा करने की संभावना है। इतनी बड़ी भर्ती 10,000 पहली ही बार आ रही है और इसमें आपको पता है कि एज की लिमिट होती है। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। MTS नॉन टेक्निकल के पदों पर आवेदन अभ्यर्थियों की आयु 18 से 25 के बीच रखी जाएगी। SSC की ओर से MTS के पदों भरने के लिए 2 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो बस दोस्तों, आपको ये दिखाना था कि आज की बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि 10,000 वैकेंसी SSC में आने वाली है, वो भी MTS की। तो आवेदन इसमें 22 अप्रैल से जारी होगा। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 मई और पहले चरण की जो परीक्षा है 6 सितंबर के बीच होनी है, दूसरे चरण की 17 नवंबर को होनी है और प्रवेश पत्र 10 दिन पहले वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि 10,000 एक बार में इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।